हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो दिस इज माय डिस्कशन वीडियो। और बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप सब मुझसे पूछ रहे हैं, कोई ना कोई मुझे पर्सनल मैसेज करता है या इंस्टाग्राम में आप सभी पूछते हैं कि आप क्या खाते हो स्लेट पेंसिल के बाद, या आप क्या चीज़ें क्या यूज़ करते हो खाने के लिए, लाइक मेडिसिन। ओके, लाइक मेडिसिन और एनी प्रोडक्ट दैट फ्लैश आउट द हार्मफुल थिंग्स। ओके, तो मैंने आज इसी पे एक वीडियो बनाना शुरू किया है। होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी, बिकॉज आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और इसीलिए मैं क्रंच साउंड वीडियो अगर मुझे टाइम मिला तो ज़रूर बनाऊंगी। तो आप सब मुझसे यही पूछ रहे थे कि आप ऐसा क्या करती हैं जिससे आपका चेहरा, मुझे एक कमेंट आया था कि आपका जो चेक्स हैं वो फ्लफी है, वो कैसे हैं। फिर एक कमेंट आया था कि आपके हेयर्स हैं वो अच्छे हैं, शाइनी हैं, सिल्की हैं, वो कैसे हैं। तो आज मैंने वही सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए जिसपे जो मैं आपको बता सकूँ कि मैं ये चीज़ें यूज़ करती हूँ, और अगर आपको ठीक लगे तो आप भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो मैंने आज सारे प्रोडक्ट अपने पास रखे हैं, अपने आस पास यहाँ बाजू में रखा हुआ है, और मैं आपको इन सभी चीज़ों से लाइन बाय लाइन मिलाते जाऊंगी। एंड आपको ज़रूर ये बताऊंगी कि मैं इन्हें कैसे और किस तरह यूज़ करती हूँ बाय टाइम वाइज। ओके, सो सबसे पहले तो जब मैं उठती हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले ब्रश करके चाय पी के एक ये चीज़ है, ये सी दिस इज़ बेसन। हाँ, मैंने आपसे पहले वाली वीडियो में भी कहा था कि मैं बेसन डेली अपने चेहरे पर लगाती हूँ अलॉन्ग विथ लेमन जूस, और मैं सच में लगाती हूँ। ये जो प्रोडक्ट था वो 500 ग्राम्स का था, हाफ के जी है। हाँ, और ये अभी सिर्फ इतना ही बचा हुआ है, इसे हमने कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ ये मेरे चेहरे पे ही गया है। सिर्फ जितना अभी जो बचा है वो सिर्फ चेहरे के लिए ही है, और ये आगे भी चेहरे के लिए ही यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। और इसे मैं बेसन के साथ वो जो टोमेटो वाला जो आइस क्यूब डाला था उसके साथ लगाती थी। अभी मैंने आइस क्यूब बनाना बंद कर दिया है, अभी मैं सिर्फ लेमन जूस यूज़ करती हूँ क्योंकि लेमन जूस, अभी मेरे यहाँ लेमन बहुत सारा रखा है, इसलिए मैं अभी सिर्फ लेमन जूस ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये एक बेसन हो गया जिसे मैं उठते साथ ही लगाती हूँ। एंड देन जब मुझे टाइम मिलता है दोपहर में, जनरली मैं ये वीडियो बनाती हूँ जब मेरी मम्मा सो जाती है, ठीक है, पापा ड्यूटी में होते हैं, और जब मेरी मम्मा सो जाती है तब मैं आपकी क्रंच साउंड वाली वीडियोस बनाती हूँ जो मैं आप सबके सामने पोस्ट करती हूँ। उसके बाद मैं पीती हूँ गर्म पानी, डेफिनेटली मैं आपको बताती हूँ, तो मैं पीती हूँ। उसके बाद मैं ये, अब देखिए ये पतंजलि का आंवला, होप आपको दिख रहा होगा, आई डोंट नो इसे कैसे दिखाऊँ आपको, ये आपको दिख रहा होगा, ये आंवला स्वरस है, और मैं इसको पीती हूँ। इसको क्या करती हूँ, दो ढक्कन कप में लेके थोड़ा सा उसके साथ पानी मिला के इसको मैं पीती हूँ। जब मैं आपका क्रंची साउंड वाला वीडियो बना लेती हूँ उसके बाद मैं ये पीती हूँ, ताकि जो भी अगर मैंने उसे अच्छे से च्यू किया नहीं किया, जो क्योंकि आप कहते हैं जल्दी जल्दी च्यू करो जल्दी करो, तो इन सब चीज़ों में कुछ अनबैलेंस्ड रह जाता है, तो उसके लिए मैं इसको खाती हूँ, इसको पीती हूँ। दो ढक्कन इसे मिला के इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मिक्स करके इसको पी लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा पानी, और उसके बाद पूरा दिन गुजर गया, दोपहर बीत गई, फिर शाम होता है, शाम के टाइम में ग्रीन टी, या आप ग्रीन टी भी देखिए, ये ओपन है क्योंकि इसे मैं पीती हूँ, और ये लूज वाला है, मतलब इसमें पिंच ऑफ डाल के या हाफ चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ये विदाउट टेस्ट है, ओके, विदाउट फ्लेवर है ये ओपन लूज ग्रीन टी। मैं इसे यूज़ करती हूँ पीने के लिए, और शाम को 5-5:30 बजे मैं पी लेती हूँ। फिर 2 घंटे का मैं ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं, अगर मुझे मन करता है तो मैं चाय पीती हूँ, या फिर कुछ भी नाश्ता करती हूँ, या अपना काम करती हूँ। लेकिन इसको पीने के बाद मैं 2 घंटे कुछ भी नहीं खाती या नहीं पीती। उसके बाद पूरा दिन गुजर गया, 7 बजे मैंने नाश्ता कर लिया, उसके बाद 9:30-10 बजे तक हमारा खाना पीना हो जाता है। उसके बाद मैं ये पीती हूँ, ये कुमारिया सो है, आप देखिए कुमारिया सौ, आप देख सकते हैं, ये भी पतंजलि का है, आंवला जूस भी पतंजलि का ही था, और मैं ये भी सेम प्रोसेस है, इसको आप 2 ढक्कन पानी इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ 2 ढक्कन इसको डाल के पी लो, और उसके साथ में बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसके साथ, आंवला जूस के साथ आप पानी पी सकते हैं नो मैटर, लेकिन आप इसके साथ थोड़ा सा पानी पी लोगे तो ये बस थोड़ा सा ही पानी आपको पीना है। इससे क्या है कि ये भी डाइजेशन प्रोसेस बहुत जल्दी कराता है, आपका मॉर्निंग में पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं आपको ये सारी चीज़ें इसीलिए बता रही हूँ कि आप भी इन सभी चीज़ों के कर सकते हैं। जो मुझसे ये कहते हैं कि आप ये करोगे वो करोगे तो प्रॉब्लम होगी आपको, तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि ये चीज़ें मैं अपने डेली रूटीन में शामिल कर चुकी हूँ, अब मुझे इन सब की आदत बहुत अच्छे तरीके से हो गई है, और मुझे कोई ग्रीन टी बना के नहीं देता, या मुझे कोई स्पून ला के नहीं देता कि आप दवाई पी लो, मैं खुद अपनी हाथों से सारी चीज़ें रहती हूँ। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है
कि अगर आप अपने बॉडी के लिए एक्टिव हो, ठीक है, अटेंटिव हो कि आप ये कर लो वो कर लो, तो आपको कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ, प्लीज आप इस पे भी कोई गॉसिप कमेंट मत करना कि नहीं आप ये कह रहे हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप इसको खाओ और फिर स्लेट पेंसिल्स भी खा लेना तो सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। हाँ, लेकिन आप ये कुमारिया सौ और ये आंवला जूस, कुमारिया सौ और ये आंवला जूस आप अपने डेली रूटीन में यूज कर सकते हो, पी सकते हो। जो स्लेट पेंसिल खाता है वो भी, जो स्लेट पेंसिल नहीं खाता है वो भी, ठीक है। और जो अगर आप स्लेट पेंसिल छोड़ सकते हो तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन ये चीजें भी आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर दो, जिससे आपका मॉर्निंग में फ्लैश आउट सारी चीजें बहुत जल्दी हो। चेहरे के लिए बेसन यूज करो, दैट इज अप टू यू कि आपको करना है कि नहीं करना है, बेसन और ग्रीन टी इज योर चॉइस, लेकिन आप ये सारी चीजें आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी थोड़ा स्ट्रांग करेगा, तो आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे एक बनानी चाहिए, क्योंकि आप में से कई लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप ये बताइए वो बताइए। हेयर के लिए आप अभी देख सकते हैं कि मेरे बाल चिपचिपे हैं, क्योंकि मैंने अभी इस पे तेल लगाया हुआ है। तेल मैं आपको तेल लाना भूल गई, मैं अभी लाती हूँ। तो तेल आप मेरे देख रहे हैं कि आपके मेरे बाल चिपचिपे, ये मैंने मेरा हैंडमेड तेल है, इसमें कोकोनट ऑयल था, मेथी था और अनियन, मैंने उसे काट काट के अच्छे से पहले तेल में थोड़ा जला दिया। एक मिनट में आपके सामने वो तेल लेकर आती हूँ, होप आपको समझ आ जाए। तो गाइस देखिए, ये तेल है ये वाला, ये मैंने हैंडमेड बनाया है। ये जो यहाँ मैं आपको ऐसे दिखा नहीं सकती, ये देखिए देखिए, मैंने पूरा प्याज जला लिया है और इस पे जो ये जला हुआ है वो प्याज है। ये मेरा हैंडमेड तेल है, मेरे पास बस इतना ही बचा हुआ है। अभी आने वाले दिनों में मेरे पास कोकोनट ऑयल खत्म हो गया है, तो मैं इसे फिर से कड़काऊंगी, प्याज को कड़काती हूँ, जिससे ये इसका जो पूरा रस है, पूरा वो है, वो तेल में मिक्स होकर बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करे। तो ये कुछ चीजें थी जो मेरे डेली रूटीन में है, और ये मैं आप ये समझिए कि मैं इनको यूज करती हूँ तभी वो मेरे डेली रूटीन में है, अदरवाइज वो नहीं होता, मैं सिर्फ बातें करते ही रह जाती। तो कुछ ये चीजें हैं जो मैं अपने डेली लाइफ में यूज करती हूँ, आप भी यूज कर सकते हो। आप अपने दिनचर्या को थोड़ा एक्टिव वाला बनाओ तो आप हेल्थी रहोगे। सबका इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है, सबकी कैपेसिटी अलग होती है, सबके बॉडी ऑर्गन की कैपेसिटी अलग होती है। सो आप उसके अकॉर्डिंग आप खुद प्रिटेंड करो कि आपको क्या चीज अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। ओके, और तो यही कुछ चीजें थी जो मुझे आप सबको बतानी थी, और होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो।